अस्सलाम वालेकुम। आज हम कच्ची कैरियों का अचार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है, हर घर में अचार बनता है। तो मैंने ये तोतापुरी आम लिया है, आप कोई भी आम ले सकते हैं क्योंकि इसमें खटास कम होती है और इसमें गूदा ज़्यादा होता है। इसके लिए मैंने ये आम लिया है, इसमें गुठलियाँ नहीं होती। और मैं ये अब इसके पतले पतले पीसेस करके आपको बताती हूँ कैसे काटना है। ये पीसेस कैसे काटना है आपको बता रही हूँ मैं। इसके दो पीस करेंगे और इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे। ये स्क्वायर पीसेस नहीं है, ये लंबे लंबे पीसेस का अचार बनता है और इतना टेस्टी होता है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो हम सारे आम को इसी तरह से काटेंगे, इस तरह लंबे लंबे पीसेस में। स्क्वायर पीस बिल्कुल नहीं करना है, ये ऐसे ही खूबसूरत और टेस्टी होता है। अब हम सारे आम इसी तरह से कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमें पीसेस बनाना है, लंबे लंबे हाफ कटिंग। अब मैंने ये 1 किलो कच्ची कैरी को काट लिया है। अब इसमें मैं ये एक बाउल में मैंने खड़ा नमक लिया है, पाउडर हम नहीं मिलाएंगे। खड़ा नमक अगर नहीं मिलता है खड़ा नमक तो आप पाउडर मिला सकते हैं, पाउडर नमक। मैं तो इसमें खड़ा नमक हमेशा मिलाते हैं हम, और इससे अचार पूरा 1 साल तक अच्छा रहता है। और 1 चम्मच हल्दी मिलाएंगे। हल्दी मिलाकर इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हिलाएंगे, तकरीबन 5-6 घंटे तक। अगर रात भर रख सको तो रात भर, नहीं तो 5-6 घंटे तक इसे नमक को मेल्ट होने देंगे। और इस कैरी जब पानी छोड़ देगा तब आपको हम बताते हैं फिर क्या करना है, कैसे मसाला मिलाना। रात भर हमने हल्दी और नमक में मिलाकर इसे रखा था। देखिए पानी कितना छूटा है और कैरी भी नरम हो चुकी है। अब हम इसका अचार बनाते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे स्ट्रेनर और उसमें ये इसके पानी को छान देंगे। छान कर इसी बर्तन में हम मिलाएंगे जब तक इसका पानी छन जा रहा है। चाहिए तो आप कपड़े पे थोड़ा सी सुखा भी सकते हैं, बिना सुखाए भी ये अचार अच्छा ही बनेगा। और मैंने जो मसाले लिए हैं इसमें डालने के लिए, ये मैं मसाले थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि आगे मीठा भी अचार बनाना हो या कोई भी अचार बनाना हो यही मसाले यूज़ होते हैं, सेम मसाला पड़ता है। तो मैंने तकरीबन 2-3 बड़े चम्मच धनिया लिया है, खड़ी धनिया, 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच मेथी लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है और 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है और 1 बड़ा चम्मच मंगरेल का लिया है। इसे मैं कढ़ाई गर्म करने रखी हूँ, ये मसालों को इसमें रोस्ट कर दूंगी। हम इसे रोस्ट कर देंगे और रोस्ट करके फिर इसे ठंडा करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि कैसे ये अचार बनेगा। जब तक ये रोस्ट हो रहा है हम आपको दूसरा मसाला बताते हैं। देखिए अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, ये अचारी मसाला कहलाता है। मैंने अपने वीडियो में अचार का मसाला बताया है, अगर आपको चाहिए तो मेरे वीडियो से देख सकते हैं। अब हम गैस स्लो कर देंगे और इसे हम 1 प्लेट में ठंडा करने रखते हैं। सेम कढ़ाई को हमने इस पे रख दिया और आंच धीमी कर दी मैंने। अब जो बघार के लिए मसाला यूज होगा
देखिए उसमें एक छोटा चम्मच राई है और आधा चम्मच हींग है और आधा चम्मच मंगरेल है और एक छोटा चम्मच मेथी दाना है और आधा चम्मच जीरा है। तो और ये एक बाउल में लहसुन, आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, लेकिन जितना लहसुन डालते हैं उतना ही अचार टेस्टी होता है और खुशबूदार होता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना लहसुन का इस्तेमाल करें और लहसुन फायदेमंद भी है। तो अब हमने कढ़ाई गरम करने रखी है और अब हम सरसों का तेल लेंगे, तकरीबन एक पाव तक तेल लेंगे और इसे हम गरम करेंगे। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाए तब हम बताते हैं। अब हम ये हींग, राई और मंगरेल, मेथी ये सब इसमें डाल देंगे। देखिए पकने लगा और ये जितने लहसुन हैं ये खड़े खड़े हैं, ये अचार में अच्छे लगते हैं इसलिए हम खड़ा खड़ा डाले हैं, इसे भी लाल करेंगे। बस हल्का सा पकने दें, जब आवाज आना बंद हो जाए तो फिर हम गैस बंद कर देंगे ताकि लहसुन का पानी मर जाए। पानी जब सूख जाता है तो अचार खराब नहीं होता। अब लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे, जो कुछ भी बचा खुचा रहेगा वो अब सूख जाएगा। अब इसमें इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये कैरी को क्या करना है। इसको हम एक कंटेनर में डालेंगे जिसमें हमने इसी में एक आम को पलट लेते हैं, कच्चे आम को। नमक ऑलरेडी इसमें है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है नमक। अब इसमें जो मसाले ऐड करना है, सबसे पहले हम ये ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच हल्दी है और ये बेड़ की मिर्ची है 1.5 चम्मच और तीखी मिर्ची 1.5 चम्मच, इन्हें भी हम ऐड कर लेंगे। और ये राई है, इसे हम आधा ऐड करते हैं, आधा बाद में ऐड करेंगे। और थोड़ा सा नमक है, इसे मिलाकर रखते हैं। फिर हम ये पाउडर मसाले पाउडर करते हैं, जो सूखे मसाले मैंने भून के रखे हैं उसे मिलाती हूँ, मिक्सी में पीस लेते हैं। जब राई डालें और नमक हल्दी मिर्ची सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हाथ से मसल लें अच्छी तरह से ताकि हर पीस में मसाला लग जाए। अब हम ड्राई मसालों को पाउडर करते हैं। अब मैंने ये जो पाउडर मसाले हैं हम पूरा नहीं ऐड करेंगे, हम किसी दूसरी चीज के लिए रख देंगे अचार के लिए। इसमें से आधा मिक्स करते हैं, आधा दूसरे चीज के लिए रख देंगे। अब इसके हम अच्छी तरह मिलाएंगे। अब हमने मिला लिया, अब थोड़ा सा 2-3 चम्मच विनेगर मिला के, ये विनेगर इसको बहुत टेस्टी बनाता है और प्रिजर्व भी करने में हेल्प करता है। हम
तेल ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। जब तेल ठंडा हो जाएगा तो हम आपको मिलाकर बताते हैं। थोड़ा सी नमक और मिला लें। अचार में नमक थोड़ा चटकारा ही रहना चाहिए, क्योंकि नमक होने से ये खराब नहीं होता, पूरे साल अच्छा अच्छी कंडीशन में रहता है। इसे धूप की जरूरत नहीं होती, बिना धूप के ये अचार बनता है और ना ही सुखाने की जरूरत होती है। अब हमारा तेल भी ठंडा हो गया है। अब हमारा तेल ठंडा हो गया है, अब इसे हम धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर करेंगे। और इसे मिलाएंगे। अगर आपको तेल की क्वांटिटी कम लगे तो बाद में गरम करके तेल ठंडा करके थोड़ा डाल दें, लेकिन ये इतना तेल इसके लिए काफी है। तकरीबन 200 ग्राम के करीब तेल है। अब मुश्ती हमारा अचार रेडी हो गया है। हम इसे कंटेनर में डालकर आपको बताते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हमने। अब इसे हम एक कंटेनर में, एकदम ड्राई कंटेनर है, धोकर ड्राई करके उसमें डालना है। और फिर अब हमने कंटेनर में भर दिया है और इसे बंद करके हम तकरीबन 24 घंटे तक इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत ही टेस्टी अचार तैयार होगा। लहसुन की वजह से इस अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इन गर्मियों में इस अचार का जरूर मजा लें और बनाकर शेयर करें। शुक्रिया।